हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल एलेक्स 807। में दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने वीडियो में HDR इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे वीडियो में HDR इफेक्ट डाला गया है वो आप किस तरह से डाल सकते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो का एडिट करने के लिए हम लोग लाइट मोशन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे 9.16 में इसको लेकर यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद गाइज हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक वीडियो को एड करेंगे। तो यहाँ पर मीडिया में आ जाएंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ से एक वीडियो को, नॉर्मल वीडियो को जो एडिट नहीं हुआ है, उस वीडियो को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को लेयर पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और इफेक्ट वाले एड इफेक्ट में आएंगे और यहाँ से आप अदर का ऑप्शन यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, अदर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल रैम पे क्लिक करेंगे, RGB पे इस पर क्लिक करेंगे और इसके स्टैंडिंग सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद इसके स्टैंडिंग सेटिंग हमारा यहाँ पर सेटिंग खुल चुका है। इसमें हम लोग यहाँ से ये जो 3 नंबर लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग जी इस पर टैप कर देंगे। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे बी में था, इसको हम लोग यहाँ पे जी टैप कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर गाइज हम लोग यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम लोग यहाँ से फिर यहाँ से एक इफेक्ट पे एड करेंगे और एड इफेक्ट में जाएंगे और एड इफेक्ट में आने के बाद उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और कलर वाले लाइट ऑप्शन में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेचुरेटेड एंड वाइब्रेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से इसके स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इस वाले को हम लोग सेचुरेटेड को हम लोग प्लस यहाँ पर प्लस हम लोग यहाँ से 50 कर देना है, प्लस 50 कर देंगे, 15 कर देंगे। और 15 करने के बाद हम लोग यहाँ पे वाइब्रेंस में आ जाने के बाद वाइब्रेंस को हम लोग 1.20 कर देंगे। 1.20 करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद हम लोग इस वाले लेयर पे हम लोग प्लस के लेयर पे क्लिक करेंगे और एक शेप को ले लेंगे यहाँ से, इस शेप वाले पे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और कलर एंड फिल में आने के बाद हम लोग ये वाला पिंक वाले कलर को चूज कर लेंगे और फिर इधर से हम लोग बैक आएंगे। तो अपने हाथों से इस वाले लेयर को हम लोग जूम करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग है ऊपर सेटिंग में ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से डिफरेंशिएशन में ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से 3 नंबर वाले को हम लोग यहाँ से लेकर कर लेंगे। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और एड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से अदर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे कॉपी बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से इसके कॉपी बैकग्राउंड पे टैप कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ब्लर वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोग ये वाला गॉसियन ब्लर को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसे स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पर टैप करने के बाद इसको हम लोग 500 के करीब रख देंगे, 500 के करीब आसपास इसको हम लोग रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर हम लोग इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे कलर एंड लाइट में आ जाएंगे और कलर और लाइट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर गामा पर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके स्टैंडिंग सेटिंग पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग एक्सपोजर गामा को इसको हम लोग माइनस हम लोग यहाँ पे 20 कर देंगे। 20 करने के बाद हम लोग यहाँ पे गामा में आ जाएंगे। गामा में आने के बाद इसको हम लोग 900 रख देंगे। 900 रखने के बाद फिर हम लोग ये वाला को ऑफसेट को हम लोग यहाँ से रख लेंगे। हम लोग ऑफसेट को हम लोग यहाँ से 5 रख लेंगे। इतना हो जाने के बाद गाइज हम लोग फिर यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद इस वाले लेयर को हम लोग ऐसे वीडियो को शुरू में कर लेंगे।
वीडियो को अंत तक ला देंगे। अब इसके स्क्रीन पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से एक शेप ले लेंगे और कलर एंड फिल में आएंगे, और फिल में आने के बाद हम लोग वाइट वाले कलर को चूज करेंगे, और फिर यहाँ से बैक आएंगे और ये अपने हाथों से इसको हम लोग पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग ओपेसिटी के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको ओवर लेयर पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद गाइस उसके बाद स्क्रीन पे टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद इसको लेयर को हम लोग पूरा वीडियो को अंत तक ला देंगे। और गाइज हमारा यहाँ पे जो वीडियो है वो एडिट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमारा यहाँ पे वीडियो बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर तीर का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।